हाय स्टूडेंट्स, आप दीपक रजौरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू रियल इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। बोला गया है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए के की वैल्यूज फाइंड करिए, जिससे कि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल हों और साथ में इक्वल भी हों। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए के की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 से। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, तब हियर ए इक्वल टू, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है 2। बी इक्वल टू, बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशियंट, तो कितना है के। सी, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, तो ए फाइंड किया, बी फाइंड किया, सी फाइंड किया। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि रूट, जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो इस पॉइंट को मेंशन करते हैं, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जब रूट्स रियल होते हैं और साथ में इक्वल होते हैं, ठीक है, तब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से शो करते हैं, और डी निकालते कैसे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, तब 0 के इक्वल होगा। अब इस 4ac को भी चाहे तो ट्रांसपोज कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 4ac। अब देखिए, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, जस्ट क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, यहाँ से पुट कर दीजिए, तो बी कितना है के, और इसके स्क्वायर लगाए, लगा दिया 4a, ए का मतलब 2 इंटू सी, सी का मतलब कितना है 3। ठीक है, सो के का स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर हो गया, 4 × 2 = 8, 3 = 24। अब के स्क्वायर की वैल्यू है 24, बट हम लोगों को चाहिए क्या, के चाहिए ना, हटाना पड़ेगा इस स्क्वायर को। ये हटेगा कब, जब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तब यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब इस अंडर रूट 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 24 को लिखा जा सकता है, 24 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। क्या देख रहे हैं कि इस 2 का तो पेयर बन गया, और अगर रूट साइन के अंदर किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है वो रूट साइन के बाहर आ जाता है, तब इसके बदले एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, 2 × 3 का मतलब 6। इसका मतलब अंडर रूट 24 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 2√6 रख देते हैं। सो के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 के प्लेस पर रख रहे हैं कितना, 2√6, और यही के की वैल्यू है। ठीक है, किसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए, राइट right? और ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है एक बार लिख देते हैं इसको। सो दिया है हम लोगों को के एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में नहीं है, नहीं है तो सबसे पहले क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, और हम लोग इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में पहले लेकर आएँ। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तब इसको लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर, के एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। और अब ये कैसी फॉर्म लग रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। ठीक है, अब इसको अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तब हम लोगों को यहाँ से a मिल जाता है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इस इक्वेशन में कितना है, k। b, b का मतलब x का कोफिशियंट, तो x का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है, माइनस का 2k, और c, c का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर कितना है 6। अब क्वेश्चन में बोला है कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। इस पॉइंट को और मेंशन करते हैं, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। अगर रियल और इक्वल हैं तब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस इक्वल टू 0, करेक्ट।
अब बी को भी 4AC को भी हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्या करिए, बी ए और सी की वैल्यूज़ रख दीजिए यहाँ से। तो बी कितना दे रखा है, माइनस का 2K और इसका स्क्वायर इक्वल टू 4A कितना है, के इंटू सी कितना है यहाँ पर 6। अब देखिए, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, ठीक है। 4×6=24K ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, या तो दोनों साइड्स को K से डिवाइड कर दें तो K से K कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर 2 है। और जब भी कभी किसी वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों को निकालनी हो, उसकी पावर 2 हो, तो उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तब इसको लिखेंगे 4K²-24K=0। अब देखिए, फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल होता है टेक कॉमन इफ़ देयर इज़ एनीथिंग। क्या कुछ कॉमन है दोनों टर्म्स में, यस 4K दोनों जगह पर है ना, तो 4K हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब जब 4K² में से 4K कॉमन चला गया, तब यहाँ से क्या बचेगा, K, माइनस का साइन है लगा दीजिए, 24K में से 4K तो बाहर आ गया, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 6 ना, तो 6 यहाँ पर लिखिए, एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन 4 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, या ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 4, तब इसको लिख सकते हैं k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू, देखो इधर 4 से डिवाइड किया तो 4 से 4 तो गया, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं, और दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 0 है। ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम एक 0 हो, तब यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि या तो भाई के इक्वल टू 0 है, या फिर के माइनस 6 इक्वल टू 0 है। अगर के माइनस 6 0 है तो के इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ से निकली 6, और एक और के की वैल्यू होती है कितना, 0। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था कि दोनों क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन जो कि ax² + bx + c = 0 जैसी फॉर्म की हो, और जिसमें a 0 ना हो, तब हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना, राइट। अगर k 0 है तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x² का कोफिशियंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची रहेगी ना, इसका मतलब k = 0 नहीं हो सकता है। तो k कितना होगा, सही आंसर k = 6 होगा, राइट। तो मेंशन कर देते हैं पॉइंट, सिंस द कोफिशियंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इसका मतलब हम लोगों का k = 0 नहीं हो सकता है, देयरफॉर k = 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।